नमस्कार आम शहर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस माड़ मारिबा जोगु होइछे मनीष का मृत्यु प्रेसमिट्रे भुवनेश्वर डीसीपी का प्रतिक्रिया बिल को नहीं होइतिला विवाद दिनेश मृत्युंजय अमृत तीन अभियुक्त कटक रे कमिश्नरेट पुलिस एनकाउंटर बालिकुदा अंचल दुर्दांत अपराधी राकेश दास आहत अभियुक्त ठारु गोटे बंधुक और तीन राउंड गुड़ जब राकेश ना विभिन्न थाना रही एकाधिक मामला आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जन्मदिन 76 वर्ष वयस पाद दे नवीन जन्मदिन न पालिबा को मुख्यमंत्री निष्पत्ति सेपटे ट्वीट करी मुख्यमंत्री को शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री समेत राज्यपाल और केन्द्र शिक्षामंत्री नवेम्बर 2 रु स्मार्ट सिटी रु पिंक सिटी को उड़ीब सीधासलख विमान धर्मेन्द्र प्रधान कथा रखिले ज्योतिरादित्य सिंधिया सेप्टेम्बर 17 में लिखिते चिठी सप्ताह को तीन थर भर उड़ाण मां को मेलाणी सरला दशहरा आज धराधाम विदाय ने जगत जननी मां दुर्गा विभिन्न कटक चली मां महामाई का विसर्जन संपूर्ण खबर को खोलला बहु चर्चित मनीष अनुराग मृत्यु रहस्य होटेल बिल पेमेंट को नहीं होता हत्याकांड घटना दिन संध्यार सांग मान लक्ष्मी सगर अंचल को जाते मनीष परे भोर समय मनीष पात्रपड़ा अंचल होटेल को जाते से होटेल रे बिल पेमेंट को नहीं मनीष और तांको सांग मानों मध्य बचसा होता परे बिल पेमेंट को नहीं होटेल बाहर मनीष को आक्रमण और ठेलाफेला करते तीन बंधु जो मनीषकर मृत्यु होता कहते भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास हत्या पर मनीष मृतदेह को पाख पोखरी में फिंगी देते तेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसवा पर पूरा घटना स्पष्ट डीसीपी घटन तीन जन गिरफ कर कमिश्नरेट पुलिस गिरफ अभियुक्त अमृत प्रीतम विश्वाल दिनेश कुमार महापात्र और मृत्युंजय मिश्र दिनेश और मृत्युंजय कंधमाल से अमृत सांग मनीष से आगु बंधुता होवार कौन प्रमाण मिल पारिना से दिगरे तदंत चली तेज यह तीन अभियुक्त को रिमांड ने कोर्टे आवेदन डीसीपी घटना दिन संध्या 5:30 बेले मनीष तांकर तीन जन सांगों सहित जाइले लक्ष्मी सागर अंचल प्रथम जाइले तापर अर्ली मॉर्निंग रे पात्रपड़ा अंचल गोटे होटेल को जाइले से तीन जन सांग अमृत प्रीतम विश्वाल दिनेश कुमार महापात्र एवं मृत्युंजय मिश्र दिनेश एवं मृत्युंजय से दुज कंधमाल से माने अमृतकर सांग डायरेक्टली एपर्यंत आगर मनीष सहित चिन्ह परिचय होवार प्रमाण एपर्यंत मिल पारिना से दिगक तदंत करुचु तदंतर जहाँ जना पड़ा जो होटेल को जाते से होटेल ले भितर बिल पेमेंट को लेकिन पाटितुंड होता पर होटेल बाहर जो गंडगोल आरंभ होता होटेल से परवर्ती खबर को आज उत्तर प्रदेश रामपुर आरंभ हुनर हाट कार्यक्रम उद्घाटन उपस्थित रही केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और वर्तमान आपने शुणी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अभिभाषण इस शहर के वरिष्ठ नागरिक मित्रगण नई पीढ़ी के साथीगण अधिकारी मित्रगण और मीडिया के समस्त भाई और बहनों मैं सबसे पहले आदरणीय नकवी जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं बचपन से रामपुर की कहानी सुन के आया हूं। रामपुर भारत की एक बौद्धिक केंद्र है। आज से लगभग 200 साल पहले यहां के नवाब लाइब्रेरी की कल्पना किए थे। उस इस लाइब्रेरी में पारस्य सभ्यता से अभी हमारे कमिश्नर हमको बता रहे थे
8th सेंचुरी, 8वीं सदी के हाथ में लिखी हुई कुरान को यहां की राजा, यहां के नवाब लेके आए थे। और आज आदरणीय नकवी जी, मोदी जी की, योगी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सदियों से जो रामपुर की विरासत रही है, रामपुर लेता नहीं है, रामपुर दुनिया को देने वाला स्थान है, ऐसे आज नकवी जी ने देश भर की कारीगरों को इकट्ठा बुला के रामपुर की सभ्यता, रामपुर की तहजीब, रामपुर की संस्कृति से जोड़ने का आज अनोखा एक संगम किया है। मैं इसीलिए सबसे पहले नकवी जी को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, आपने हम सभी को जोड़ा। मित्रों, विभाग तो है अल्पसंख्यक विभाग के, देखिए मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मामला ऐसा है थोड़ा बहुत सच कहने से सियासत हो ही जाता है। मैं नकवी जी के साथ पार्लियामेंट में होता था, नकवी जी राज्यसभा में होते थे, मैं लोकसभा में होता था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की मैंडेट यह था कि आप देश भर में माइनॉरिटी भाई बहनों की हालत क्या है इसको थोड़ा छानबीन करके बताओ। 2005 की बात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कई चीजों को उजागर किया। क्या हालत रही, रोजगार की क्या हालत रही, पढ़ाई की क्या हालत रही, स्वास्थ्य की क्या हालत रही, बिजली कहां है, घर है कि नहीं है, स्वाभिमान स्वावलंबन कितना है माइनॉरिटी की आजादी के 60-65 साल के बाद, इसकी एक लेखा जोखा बनाई गई। और मित्रों, मैं ताजुब रहा जो लोग अल्पसंख्यकों के हितैषी खुद को मानते थे, उन्हीं के द्वारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई भी गई। लाने के बाद सबसे खराब हालत, जहां लंबे समय तक ऐसे नकली हितैषियों की सरकार रही, वो बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, ऐसे राज्य में या उत्तर प्रदेश हो, मैं 7 साल की लेखा जोखा आपके सामने देता हूं। आज की हुनर हाट में अल्पसंख्यक विभाग की हाट की विभागों की इस कार्यक्रम के अंदर अभी मैं फिर आभार प्रकट करूंगा आप सभी को। आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमें याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, हमें मौका मिला क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पे उत्तर प्रदेश की भाई बहनों के घर में, विशेष करके माताओं की, गरीब माताओं के घर में गैस चूल्हा पहुंचाने के लिए। और इसकी फायदा सबसे किसको ज्यादा मिला, दो वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। उत्तर प्रदेश की आंकड़ा कहती है 8 करोड़ में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा एलपीजी की नई कनेक्शन यूपी में लगी, और उसमें लगभग 40% दलित भाई बहनों के घर में लगी, और लगभग 30-35% अल्पसंख्यक भाई बहनों के घर में लगी। एक तरफ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसकी स्थिति, दूसरी ओर मोदी जी नकवी जी की सरकार की उपलब्धि। और आज क्या कल्पना की गई है इस हुनर हाट में, मित्रों अभी आप लोगों ने अमेरिका की पार्लियामेंट में अमेज़न की कारोबार को लेकर झगड़ा होते हुए सुना होगा,
अखबारों में पढ़ा होगा, अमेरिका की पार्लियामेंट में अमेजोन एक कारोबार की एक खुदरा व्यापार व्यापार करने की एक व्यवस्था है। कई प्रकार की आजकल ई कॉमर्स की दुनिया आई है, रामपुर की हो, भदोही की हो, मुरादाबाद की, कांचे की काम हो, ब्रास की काम हो, कालीन हो, बनारस की साड़ी हो, उत्तर प्रदेश में तो हर एक जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक राज्य जिले में एक उत्पादित चीज की ब्रांडिंग की कल्पना की गई है। ऐसे चीजों को बिक्री होने की चुनौती होती है। हमारी जो गरीब कारीगर है वो ब्रांड नहीं जानता है। आगरा की जूती जो मेरे आगरा में बनता है, जिसकी दाम 500 रुपया है, उसको एक लुई भीटन की ब्रांड लगती है तो 50,000 हो जाती है। जूते वही है, आगरा की मेहनत है, हमारी कारीगर की हुनर है, लेकिन ब्रांड नहीं होने के कारण 500 देखिए, 50,000 देखिए। ये जो स्टॉल जिसको बनाने में या अगर 1,000 रुपया में ये बिक्री होता होगा, अगर ये अमेरिका की मेसी स्टोर में पहुंचेगी, यही शायद 60,000 रुपया में बिक्री हो सकती है। चुनौती है ब्रांड की। हमारी देश में घर घर में कारीगरी है, हर घर में हुनर है, लेकिन चुनौती है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको गुणात्मक मानक के साथ जोड़ना, उसको पैकिंग करना, उसको बिक्री करना। और मैं आज तो विभाग को इसीलिए भी बधाई देता हूं, आज उन्होंने भारत सरकार की जो अमेजन की जो सरकारी वर्षन है जेम पोर्टल, आज हमारी ये उत्पादित चीज भी जेम पोर्टल में बिक्री हो पाएगा। हमारी रामपुर की कारीगरी, मुरादाबाद की कारीगरी यूरोप में ब्रसेल शहर में भी प्लेटफॉर्म के माध्यम पे ऑर्डर आएगा, हमारी लोगों की चीज बिक्री होगी। इसकी श्रेय हुनर हाट को जाएगा, उसकी श्रेय अल्पसंख्यक विभाग को जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं तो इस मेला में आके अभिभूत हूं। आपके विभाग ने, नकवी जी ने विश्वकर्मा को आज याद किया। कौन है ये विश्वकर्मा? उत्तर प्रदेश में तो हर एक गांव में 5-6 विश्वकर्मा है। कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई तांती है, कोई कुमार है, कोई पसमंदा बुनकर है, ये सब तो विश्वकर्मा है। आज विभाग ने ऐसे विश्वकर्माओं को मोदी जी की दृष्टि विजन के साथ जुड़ के एक आज बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज आवश्यकता है इस उत्पादित चीजों को बाजार तक पहुंचाना। आने वाले दिनों में मैं शिक्षा मंत्री हूं, मेरे को सौभाग्य मिला है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। मित्रों, मैं पिछले 1-1.5 साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को पढ़ रहा था, लेकिन जब शिक्षा विभाग में काम किया, पत्रकार मित्र ही उपस्थित है, मैं आप लोगों के माध्यम से यूपी की जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये एनईपी में मोदी जी ने क्या रखा है। मोदी जी ने कहा है पढ़ाई के साथ कमाई भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई और कमाई, ये दोनों की मेल आज नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये कहा है आने वाले दिनों में, यानी इसी सत्र से जब पूजा दशहरा हो गई है
अक्टूबर 20-25 से आगे, दीपावली के आगे विद्यालय खुलेंगे, सत्र शुरू हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है, छठवीं कक्षा से, क्लास 6 से क्लास 12 तक, 6 से 12 तक मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा, उसको भी शिक्षा की मान्यता दिया जाएगा। सब पढ़ेंगे, सब काम भी सीखेंगे। पढ़ना और कमाई, पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ होगा। बारहवीं आते आते मित्रों, हमारी देश की नौजवान आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा रोजगार के माध्यम से, अर्थनैतिक प्रगति होने से, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होने से व्यक्ति की स्वाभिमान जगेगी। ये इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख अंश है। मांग को मेलाणी आज विदाय नेउछन्ति मा दुर्गा। भसाणी पाई विभिन्न स्थान रे अस्थाई पोखरी रो व्यवस्था करा जायछे। बिना बाजा रोशनी रे मूर्ति विसर्जन रे विभिन्न पूजा कमिटी पक्षरु निष्पत्ति होईछे। अन्यपटे पुरी श्रीक्षेत्र रे मध्ये मांकर भसाणी सरीछे। श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें विभिन्न साहिर गोसाणी एकाठी होगा पर श्रृंखलार सह विसर्जन करें। श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व मरीचिकट छक सिंहद्वार पर्यंत 144 धारा जारी कर। बाबदे अधिक सूचना पाई आम कटक नहीं जाऊँ और कटक रही आम रिपोर्टर विश्वजित दास। विश्वजित, वर्तमान सुधा कटक रे मोट केतोटी मेढ़ कर वर्तमान सुधा माँ केतोटी मूर्ति को विसर्जन दि सर। माधुरी देखु, आज जो पांच दिन धरी मंडपर माँ पूजा पाते आज तक मेले एक दुखर समय, जेहेतु माँ आज विदाय नौ धरापृष्ठर। निश्चित भाव में आम रही देवीगढ़ और देवीगढ़ दृश्य मैं आपको प्रथम दृश्य देखेबी। जेहेतु माँ को आज विसर्जन प्रक्रिया आरंभ हो सका 6 आरंभ होता और धीरे धीरे एवं सुधा पाखापाखि 84 मूर्ति विसर्जन सरला। ये जहाँ सूचना मिली देवीगढ़ 88 मूर्ति विसर्जन होपसुदा 84 मूर्ति विसर्जन सरला। आ किसी समय पर संपूर्ण शेष हम देवीगढ़ विसर्जन प्रक्रिया एवं किसी परंपरा रही जो मैंने द्वादशी मूर्ति विसर्जन करती से ही अनुसार आसंता काली किसी मूर्ति विसर्जन करु। गोटे बड़ कथा सुरखुरी शांति शृंखला समस्त जो मंडपर कर्मकर्ता अच्छा पुलिस प्रशासन अच्छी सुरखुरी आज विसर्जन चली। ये हूँ तार दृश्य आप देखिपे गोटेपटे गोटे थला कोविड चैलेंज अंपटे पार्वण थला ताकु संपूर्ण भाव में समस्त पूजा गाइडलाइन अनुसार पूजा अर्चना करा गला। आज से ही गाइडलाइन अनुसार पुलिस प्रशासन जो गाइडलाइन देता से ही गाइडलाइन अनुसार आज विसर्जन प्रक्रिया आरंभ होता आ कि समय पर पूरा संपूर्ण शेष हो देवीगढ़ विसर्जन प्रक्रिया। जेहेतु एपर्त पाखापाखि 84 मूर्ति विसर्जन सरला आउ गोटे दुईटा पर सरीज मैक्सीम कहला जहाँ संध्या समय दि जाता संध्या भितर संपूर्ण विसर्जन प्रक्रिया शेष कर डीसी सूचना देते कि पूर्व जथेष पूर्व सरी जहाँ आशंका करा जाउची। जेहेतु गोटे गाइडलाइन थला जो पूजा मंडपर कर्मकर्ता माने अछन सेमाने मध्ये प्रथम सहयोग करिसेंती। ओके, समस्तक सहयोग रे चलित वर्ष मांकर विसर्जन करा जायछि। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत आपनकर तमाम सूचना पाई। आसिया परवर्ती खबर को केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को कथा रखिले केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री। नवंबर 2 रु भुवनेश्वर राजस्थान जयपुर को उड़ीब सीधा सड़क विमान। इन्हें सेप्टेम्बर 17 रे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखिते धर्मेन्द्र प्रधान एवं अनुरोध को रक्षा कर मंत्री को धन्यवाद जनाई। इंडिगो पक्ष जगै दिजाव विमान सेवा सप्ताह तीन थर विमान चलाचल कर। विमान सेवा आरंभ होगा द्वारा मंदिर मालिनी भुवनेश्वर एवं गोलापी सहर जयपुर मध्य विमान सेवार यात्री को सुविधा प्रदान करसह उभय राज्यर अर्थनीति को बेस मजबूत कर सहायक हो श्री सिंधिया पत्र उल्लेख कर। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वी फाउंडेशन जातीय आवाहक जैनिक ओपी मिश्रा पत्र आधार में गत सेप्टेम्बर 17 में विभाग केन्द्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखिते भुवनेश्वर सीधासल जयपुर को विमान सेवा आरंभ करने अनुरोध करते।
उभय राज्य में अनेक मंदिर और पर्यटन स्थान थिबा बेले श्रद्धालु एवं पर्यटक मानक बृहत स्वार्थ दृष्टि पदक्षेप नेबा पाई केन्द्रमंत्री श्री प्रधान पत्र में उल्लेख करते आमर विमान जो इंडिगो एयरलाइंस आसंता नवेम्बर 2 तारीख रु तार विमान सेवा आरंभ करिवो सेथिरे भुवनेश्वर एवं जयपुर रहिछि भुवनेश्वर आ जयपुर जो सेक्टर अछि सेटा होछि सप्ताह को 3 दिन चलिवो तापर भुवनेश्वर गोवा मध्य कनेक्टिविटी अछि सेटा डिसेंबर 1 टू आरंभ हबो ता सब दिन चलिवो त एही दुईटी मुख्य शहर को जतल विमान आमर भुवनेश्वर जोडा हबो तो निश्चित भाव में टूरिज्म क्षेत्र में निश्चित भाव में डेवलपमेंट हम भुवनेश्वर जयपुर 3 दिन चलो सप्ताह को तापर पैसेंजर अनुसार से देखिए कौन करेंगे किंतु आटलिस्ट 3 दिन तो आम चलुची गोवा सबुद चलो इंडिगो सर्विस निश्चित भाव ये बड़ खबर डायरेक्ट गोवा जीवाटा आम राज्यपाई गोटे शुभंकर कथा भुवनेश्वर जयपुर जीव निश्चित भाव में जयपुर मैं राजस्थान जयपुर गवर्नमेंट अप्रुवाल करिसें माननीय मुख्यमंत्री तेणु निश्चित भाव में आम समस्त खुशी कथा जेहेतु डायरेक्ट फ्लाइट जितेबाला 3 दिन जीव जयपुर सबुदिन जीव गोवा ये निश्चित भाव में गोटे निष्पत्ति राज्य सरकार निश्चित भाव लोकों पाई आनंददायक हम केन्दुझर आनंदपुर चांचल्य समस्ते विजयादशमी में खुशी मनाऊ घर कोली को केन्द्र कर महिला को हाणी बैतरणी नदी में भसाई दे देढ़सुर एभली अभावन घटना घटी अमरंग गाँव में मृत महिला परिचय मिली तेज महिला जनक हेले सुरथी नायके सुरथी निज गाँव में एकाकी रोता बेले सबुबले देढ़सुर झगड़ा लगि रुए तेज गत काली उग्र रूप नहींपर देढ़सुर शत्रुघ्न महिला धारुआ अस्त्र हत्या करने दुई खंड कर नदी में भसाई हत्या पर देढ़सुर फेरार जनापड़ी एने घसीपुरा थाना महिला झील अभियोग कर पुलिस घटनार तदंत जारी रखी सी तो बड़ बापा हम सी तो छोट काल टारगेट रखी रखी दिन मारिदी गोड़ हाथ फुले जुएं आसिक नहीं घर को नहीं बड़े आउ थे चाड़ उठे पड़ी आसा कांड तो कल 10 रात 11 12 बेल हो गाँ पा खबर पाई नदी भितर को जाइलुटे देख ला बेलू गोटे अधा मैं अंटा तल को अच्छी ऊपर को ना डेड बॉडी भासू किए मानते मारी किए अवश्य जानवनी नदी में आसल समस्त लोक देखे आम से देखी देखिए गलु आम तो देखु डेड बॉडी तो ये पाइं लोक भी किसी बर्तमान पर्यटन किसी रिपोर्ट देना आम देखु तार बाकी शरीर कौटी से आम सन्धान कर अनुसार कार्य अष्टम और एकादश खोलने जा पा भितर स्कूल जावाक आग्रह अच्छी कोरोना संपूर्ण भाव जाए पूर्वर आम शिक्षक मानक डबल डोज टीका नेवाई निर्देश देखू केन्द्र निर्देश पर शिक्षक मैंने टीका नहीं सारी आम देखू जमी समस्त शिक्षक डबल डोज टीका नहीं थे से नहीं डीओ बैठक में गुरुत्व दिज्व तो विद्यालय गणशिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलित भाव काम करेंगे जो छात्र छात्री भितर सामान्य लक्षण देखा तुरंत चिकित्सा दिज्वा नहीं गुरुत्व दिज्व मुख्यमंत्री सब समय शिक्षा सह स्वास्थ्य को गुरुत्व देते तेणु स्कूल खोल प्रक्रिया आरंभ होती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कोरोना संपूर्ण भाव में आज पर्यंत जाना तेना आम गुरुत्व निश्चित भाव में दबू स्वास्थ्य विभाग सहित आम कोऑर्डिनेशन हो स्वास्थ्य विभाग जी डीएमटी आज से कहते आगु आम शिक्षक मान टीका नवा संपर्क में स्वतंत्र भाव में निर्देश आम आग्रह प्रकाश करूँ और केन्द्र सरकार कहलापर समस्त शिक्षक मैंने टीका नहीं सारी आम देखू निश्चिंत भाव में कौन सी जन शिक्षक बिना टीका न नहींकर जपर स्कूल को घटना न जाए से कथा निश्चित भाव में आज डीओ मान भाव में गुरुत्व दिहब एवं कार्य पाठ पढ़ा समय नजर रखर भाव में कौन सामान्य समस्या जदि आसे था आसे तो आम शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग जपर भाव में मिलित भाव में इमिडियेटली घटना पिला पहुँची पारे और पिला से कथा को घटना चिकित्सा कथा को नहीं पारे तेनाली समस्त कथा शिक्षाटा पिला जी निश्चित भाव में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पिला अपेक्षा करपरी भाव में स्वास्थ्यटा से गुरुत्वपूर्ण मानव मुख्यमंत्री सहीटा हूँ समस्त गुरुत्वपूर्ण निर्देश पाठ पढ़ा तो निश्चिंत हवा दरकार जो से प्रक्रिया आरंभ है साइमल्टेनियसली पिला शिक्षा समय स्वास्थ्य प्रति समपरिमाण में गुरुत्व जपर रही गुरुत्व दिया नमस्कार।